वहीं कोटा से नीट की तैयारी कर रही स्टूडेंट का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने लड़की के पिता के व्हाट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी दी है, साथ ही लड़की की फोटो भी भेजी। उसमें लड़की के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए हैं। छात्रा को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। लड़की मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। शिवपुरी की बेटी का अपहरण की जानकारी मिलने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुरंत राजस्थान मुख्यमंत्री से भजनलाल शर्मा से शिकायत की बात की है और युवती को जल्द से जल्द खोजने की बात कही गई। पीड़ित बच्चे के पिता से भी मंत्री सिंधिया ने फोन पर बात की। उन्होंने पिता को आश्वासन दिया है कि बेटी को वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है, बस आपकी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के सीएम से बातचीत की है और बच्ची को न्याय दिलाने की मांग की है। बच्चे के पिता से बातचीत की और ये कहा है कि जो अगवा छात्र आपकी बच्ची हुई है, आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, वो मेरी भी बेटी है।